स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्न समथिंग में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 5 लैपलास ट्रांसफॉर्म का 6th वाला प्रॉपर्टी जिसका नाम है लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। तो चलिए आइए देखते हैं। दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव हमारे क्या है? लैपलास ऑफ एफ ऑफ एफ डैश ऑफ टी क्या होता है? एस इंटू एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो होता है। अगर आप लैपलास ऑफ एफ डैश ऑफ टी देखें, एफ डैश का मतलब फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन ले चुका है, और लैपलास ऑफ एफ डबल डैश मतलब एक ही फंक्शन के दो बार इंटीग्रेशन ले चुके, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं, ये डेरिवेटिव है, यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं, यहाँ पे एक बार डेरिवेटिव, यहाँ पे दो बार डेरिवेटिव ले चुका है। कुछ लोग इसको एफ प्राइम भी बोलते हैं। फिर उसके बाद से एस स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एस, अब हम लोग को पहले से एस स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एस लिखना है क्योंकि यहाँ पे दो बार किया गया। फिर उसके बाद से जो हमारा पहले था मतलब एस एफ ऑफ जीरो, मतलब यहाँ पे एस के यहाँ पे इसने जीरो रखा है तो हम लोग को वो भी लिखना पड़ेगा, और एक बार एफ डैश ऑफ जीरो भी लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद से हम लोग को लैपलास ऑफ एफ डबल डैश मतलब ट्रिपल डैश है, डबल नहीं ट्रिपल डैश है, ट्रिपल डैश ऑफ टी इज इक्वल टू क्या है, एस क्यूब, और यहाँ पे दोस्तों माइनस है ना कि इक्वल टू, एफ ऑफ एस ए माइनस मतलब एक बार एस क्यूब वाला बनाना है। फिर उसके से जो स्क्वायर का फॉर्मूला था वही उठा के यहाँ पे लिख देना है, और यहाँ पे एस के यहाँ पे क्या आएगा, हर जगह जीरो आ जाएगा, बस किस में एस आएगा जिसका यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव चल रहा है तो यहाँ पे एस हमारा रहेगा, अगर सेकेंड चल रहा है तो सेकेंड के पास एस आएगा, अगर फर्स्ट चल रहा है तो फर्स्ट के पास आएगा। ये एफ डैश वाला था, मतलब इसमें s का पावर 1 रहेगा और इसमें s का पावर 2 रहेगा, जिसमें डबल डैश इसमें 2, जिसमें ट्रिपल डैश उसमें 3। फिर माइनस एस स्क्वायर एफ ऑफ 0, फिर माइनस s एफ ऑफ 1, फिर माइनस f डबल डैश ऑफ 0 लेना है। फिर इसके बाद से हमेशा याद रखिएगा कि आपके क्वेश्चन में हमेशा क्या बोला जाएगा, dy बाय dx कैसे होगा, कि f ऑफ t क्या है, y है, f ऑफ s क्या है, हमारा y ऑफ s है, f f डैश ऑफ t क्या है, dy बाय dx है, dt है, ऐसा कहा जाएगा, ऐसा होगा। और f डबल डैश क्या होगा हमारा, सो d square y और dt square, ये आप याद रखिएगा। f ऑफ t हम लोग किसको बोलते हैं, y को बोलते हैं, f ऑफ s y ऑफ s को बोलते हैं, f डैश ऑफ t dy बाय dx को बोलते हैं, और f जीरो y ऑफ जीरो को बोलते हैं, और f डबल डैश d square y और dt square को बोलते हैं। फिर प्रॉब्लम नंबर 1 इसके ऊपर देखते हैं क्या है, फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी स्क्वायर वाई इंटू डी टी स्क्वायर वाई डी टी प्लस 2 डी वाई प्लस 5 वाई इज इक्वल टू ई पावर 5 टी। सो हम लोग गिवन क्या है कि यहाँ पे y ऑफ 0 क्या है, 0 है, और y डैश ऑफ 0 क्या है, 1। ये हमें एग्जाम में पहले से दिया होगा। सो हम लोग सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, पहले तो हम लोग का जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको एज इट इज लिख लेंगे। उसके बाद से अप्लाइंग लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, हर जगह लैपलास लगाएंगे, मतलब जो दिया है ना उसको खाली लैपलास का साइन लगा के एक बार लिख देना है दोनों साइड। फिर उसके बाद बाय लीनियर प्रॉपर्टी से इसको अलग आएंगे क्योंकि ये कंबाइंड में है ना लैपलास, अलग अलग किए तो डी स्क्वायर वाई इंटू डी टी स्क्वायर प्लस 2 लैपलास ऑफ डी अपॉन डी टी प्लस 5, मतलब कांस्टेंट है ना तो ये बाहर आ गया, 2 भी देखो कांस्टेंट था तो बाहर आ गया, लैपलास ऑफ वाई और इज इक्वल टू लैपलास ऑफ ई पावर माइनस टी इंटू साइन टी। फिर हम लोग कुछ फॉर्मूले हैं जो जानते हैं, तो क्या है, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था लैपलास ऑफ एफ डबल डैश ऑफ टी, डबल डैश ऑफ टी मतलब डबल डेरिवेटिव, एस स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एस माइनस एस एस इंटू एफ एफ ऑफ एस माइनस एफ डैश ऑफ जीरो, और लैपलास ऑफ एफ डैश ऑफ टी सो क्या है, एस ऑफ एफ इंटू मतलब एस इंटू एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो, और लैप यही हम लोग को यहाँ पे पुट करना है, सॉल्व करना है। तो पहला क्या है, डी स्क्वायर, अब डी स्क्वायर वाला मतलब ये डबल वाला है, मैंने आपको पहली बार डबल आया मतलब डबल डेरिवेटिव, तो यहाँ डबल डेरिवेटिव वाला में डालना है। क्या है, एस स्क्वायर, एस स्क्वायर मतलब एस स्क्वायर वाई ऑफ एस, एफ ऑफ एस है, यहाँ पे वाई दिया है तो यहाँ पे क्या होगा, वाई ऑफ एस होगा। सो हमारा नेक्स्ट क्या है, एस ऑफ वाई ऑफ जीरो, सो हम लोग ने एस ऑफ वाई ऑफ जीरो कैसे लिया, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वाई एफ ऑफ जीरो था, बट हमारा टर्म किस में चल रहा था, वाई में चल रहा था, सो हम लोग ने इसको एस ऑफ वाई ऑफ जीरो लिया। नेक्स्ट क्या है, माइनस यहाँ पे देखिए पहले
फर्स्ट प्राइम ऑफ जीरो, फर्स्ट प्राइम बोलिए या फिर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ जीरो बोलिए। सो यहाँ पे हमारा फंक्शन में नहीं चल रहा है, यहाँ पे हमारा इसमें चल रहा है क्वेश्चन, तो डी वाई बाय में चल रहा है, तो हम लोग को वाई में लेना है, तो यहाँ पे वाई डैश ऑफ जीरो है, फिर प्लस। अब ये वाला एक खत्म हो गया, अब नेक्स्ट लेंगे, फिर यहाँ पे टू लिख लिए, अभी टू पूरा होल है जो इसका पूरा फॉर्मूला बनेगा। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी टी है, मतलब एक ही बार डेरिवेटिव लिया है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स वाला लिया। तो सिंपल ही बात है, जिसका एक ही बार लिया है उसका क्या है, एस एफ ऑफ एस और माइनस एफ ऑफ जीरो, मतलब पहला जो लेंगे ना उसमें जीरो नहीं लगेगा और दूसरे वाले में जीरो लग जाएगा। तो यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में चल रहा है, मतलब वाई से हम लोग ले रहे, तो हम लोग क्या होगा डायरेक्टली टू इन बाहर आएगा एस ऑफ वाई ऑफ एस, क्योंकि यहाँ पे हमारा डी वाई बाई डी टी है, ना कि हमारा एफ ऑफ टी है, माइनस वाई ऑफ जीरो। फिर इसके बाद से प्लस, अब खाली हमारा ये हो गया, अब वाई का ले रहे हैं, वाई का मतलब अपना सिंपल ही होता है क्या, लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी किसके इक्वल होता है, पहले तो ये देखिए छोड़ दिए, एफ ऑफ टी किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एस के इक्वल होता है। तो हमारे यहाँ पे क्या है, वाई है, तो वाई की जगह हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली वाई ऑफ एस ले लेंगे, और ये फाइव पहले से बाहर बैठा है इसलिए ये फाइव वैसे का वैसे ही आ जाएगा। फिर इसके बाद से यहाँ तक हमारा हो गया इक्वल टू, और ये जैसा था वैसे का वैसे ही इसको लिख लेंगे। फिर उसके बाद से हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, हम लोग वी नो दैट, क्या हम जानते हैं साइन टी का फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। और फिर उसके बाद से बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से क्या होगा, जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, सो लैपलास ऑफ ई पावर वन टी इंटू साइन टी, तो माइनस वन है तो प्लस में लेना है, तो एस के आप क्या लेंगे, एस प्लस वन डी होल स्क्वायर, सो एस प्लस वन डी होल स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था इसका और प्लस वन का स्क्वायर। फिर उसके बाद से आप देख ही सकते हैं यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे स्क्वायर जैसे हम लोग का ये हो जाएगा ना कि ये किसके इक्वल है, तो डायरेक्टली हम लोग को वापस इसको लिख लेना है जो हम लोग ने यहाँ पे सॉल्व किए, एस स्क्वायर वाई टी, तो जैसा है एज इट इज पहले लिख लेते हैं, एस स्क्वायर वाई ऑफ एस। अब एफ ऑफ जीरो क्या होता है, एस ऑफ जीरो क्या होता है, वाई ऑफ जीरो, सो हम लोग को स्टार्टिंग में वैल्यू दिया था, वाई ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है, जीरो, सो ये जीरो इंटू एनीथिंग तो जीरो ही होगा, और वाई डैश ऑफ जीरो क्या है, वन है, सो यहाँ पे वन आ जाएगा, यहाँ पे जीरो यहाँ पे वन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जीरो माइनस वन प्लस टू वाई, मतलब प्लस टू, ये देखिए प्लस टू है। अब एस ऑफ एस वाई ऑफ एस है माइनस वाई ऑफ जीरो, वाई ऑफ जीरो अभी हम लोग ने देखा क्या है, जीरो है, मतलब ये भी टू इंटू ये देखिए टू इंटू एस ऑफ वाई ऑफ एस माइनस जीरो प्लस फाइव वाई ऑफ एस, ये तो वाई ऑफ एस ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और इसके यहाँ पे जो हम लोग का साइन ये देखिए यहाँ ई पावर माइनस टी इंटू साइन टी की जगह हम लोग क्या डालेंगे, वो वैल्यू डालेंगे जो अभी हम लोग ने सॉल्व करके निकाला, सो यहाँ पे तो जीरो है। अब इसको एक बार ठीक से लिख लेंगे, तो क्या होगा, एस स्क्वायर वाई ऑफ एस ऑफ टी एस ऑफ एस प्लस टू एस ऑफ वाई ऑफ एस प्लस फाइव वाई ऑफ एस इज इक्वल टू वन अपॉन एस एस प्लस वन दी होल स्क्वायर प्लस वन, बाजू में प्लस वन लिखें। अब आप बोलोगे ये प्लस वन कहाँ से आ गया, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे माइनस वन है, इज इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस वन होगा। फिर इसका ऐसे इसका भी डिनोमिनेटर सेम करेंगे, सेम करने के बाद से क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी एस प्लस एस वन प्लस दी होल स्क्वायर प्लस वन डिनोमिनेटर में आएगा, एक बार ऊपर आ जाएगा, सो हम लोग इसको प्लस करेंगे तो क्या होगा, वन प्लस, और यही वाला टर्म आ जाएगा क्या, एस प्लस वन दी होल स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा, एक बार आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखिए न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर में। फिर उसके बाद से जैसे ही ये हो जाए हमारा, तो आप यहाँ पे ध्यान से गए, वन प्लस वन यहाँ टू है, तो यहाँ पे मैंने टू लिख दिया है, और टू लिखने के बाद से मैंने ना अब इस ब्रैकेट को सॉल्व किया है, ये ए प्लस बी डी होल स्क्वायर के फॉर्म में सॉल्व किया, क्या है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर, सो ए के यहाँ पे क्या है एस, तो क्या होगा एस का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी, ए क्या है हमारा वन है, मतलब ये देखिए ए हमारे सॉरी एस है और बी क्या है हमारा वन है, तो फिर भी वहाँ पे टू एस आ जाएगा प्लस वन का स्क्वायर, तो ये देखिए एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस वन, और बाहर टू बैठा हुआ है इन दोनों को जोड़ के, तो यहाँ पे टू है। अब ये सॉल्व होगा तो यहाँ पे देखिए थ्री होगा, और ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अब इसमें से हम लोग को कॉमन निकालना है कि क्या कॉमन है, तो कॉमन आप ध्यान से देख रहे हो तो वाई ऑफ एस सब में है, सो वाई ऑफ एस बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, एक एस स्क्वायर बचेगा, एस स्क्वायर यहाँ पे क्या है टू एस बचेगा, टू एस प्लस यहाँ पे फाइव बचेगा,
फिर इसके बाद से y ऑफ s इंटू, इसको मतलब इस साइड लिख लेना, यहाँ पे लिख लेना है, और y ऑफ को दूसरे साइड ले लेना है। फिर उसके बाद से y ऑफ s इज इक्वल टू, यहाँ पे जो किया हुआ सम था मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, इज इक्वल टू की दूसरे साइड, तो ये 1 प्लस 2 तो यहाँ 3 हो गया, और यहाँ पे क्या है एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3 हो गया। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस 1 मतलब ये वाला ब्रैकेट भी ओपन हो गया वाले फॉर्मूले से, और यहाँ पे 1 आया था, तो यहाँ पे पहले से 1 था, और एक इसका 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, तो एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 हो गया। फिर उसके बाद से हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, ये यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है उस साइड भेजेंगे, तो क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो ये देखिए डिवाइड करेगा, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस s इंटू, और जो यहाँ पे हमारा ये वैल्यू था होल वैल्यू, सो y ऑफ s हमारा क्या है, सो जो हमारा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस s इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3 इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये पहला आंसर आ गया है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा कौन सा था, फर्स्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से देख रहे हो तो मैंने नंबर 10 लिखा हुआ, नंबर 10 क्यों लिखा है, क्योंकि आज अब हमारा क्वेश्चन बैंक हमें मिल चुका है SYBSEI टर्म 3 का। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं, और ये उसमें आने वाला है। सो मैं ये वाला क्वेश्चन आज करा दूंगा, इसके बाद से ये वाला हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, और मैं क्वेश्चन बैंक के साथ साथ थोड़ा आपको आगे का कराया करूंगा। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है, फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t, और हमारे क्या है वाई ऑफ जीरो हमें दिया हुआ है एफ ऑफ जी वाई ऑफ जीरो, सो हम लोग 4 है वाई डैश ऑफ जीरो, तो हमारा 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 नहीं तो माइनस टू दिया हुआ है। सो सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, पहले तो जो हमें दिया हुआ उसको वैसे का वैसे लिख लेंगे, फिर इसके ऐसे टेकिंग लैपलास ऑन बोथ साइड, हर जगह लैपलास लेंगे तो एक कंबाइंड में लैपलास ले रहा है, तो इन लोग को अलग करने के लिए कौन सा प्रॉपर्टी आता है, मैंने आपको हर बार सिखाया क्या, बाय लीनियर प्रॉपर्टी। लीनियर प्रॉपर्टी से एक बार लैपलास डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर को मिल जाएगा, और एक बार लैपलास डी अपॉन डी टी को मिल जाएगा, और सेम दूसरे साइड भी होगा, एक बार लैपलास टी स्क्वायर को मिल जाएगा, और एक बार लैपलास 2t को मिल जाएगा। सो उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे ना, डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई का हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, जो क्या है पहले तो एस स्क्वायर इंटू वाई ऑफ एस आएगा, खाली एस इसमें वाई के एस स्क्वायर वाले में आएगा, फिर माइनस एस ऑफ वाई ऑफ जीरो, फिर उसके बाद से वाई डैश ऑफ जीरो आएगा। वाई डैश ऑफ जीरो में क्यों, क्योंकि हम लोग ने एक बार ये कर लिया एस स्क्वायर वाला आ गया, फिर उसके बाद से जो टर्म हमारा चल रहा है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर उसके बाद से सिंपल वाला पहले उसके, फिर उसके बाद से यहाँ पे हमारा डी वाई बाई डी टी चल रहा है, मतलब सिंपल वाला चल रहा है, तो इसका डायरेक्टली पहले एक बार एस के पावर में स्क्वायर था इसमें, और किसमें डी स्क्वायर वाई इंटू डी टी स्क्वायर, मतलब डबल डेरिवेटिव। अब यहाँ पे पावर में 1 है, मतलब एस के पावर में 1 आएगा, एस इंटू वाई ऑफ एस, और फिर माइनस वाई ऑफ जीरो, फिर इज इक्वल टू, क्योंकि ये वाला तो हो गया टी स्क्वायर का, अगर हम लोग डेरी मतलब अपना लैपलास देखेंगे, लैपलास ऑफ टी स्क्वायर क्या होता है, तो हमारा डायरेक्टली होता है लैपलास ऑफ टी स्क्वायर अपना डायरेक्टली पहले क्या आएगा 2 अपॉन एस क्यूब। अब क्या होता है ना, जो 2 होता है ना ऊपर, मतलब एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एस एन प्लस 1 होता है, ये होता है हमारा मतलब लैपलास ऑफ टी स्क्वायर का, मतलब टी एन का फॉर्मूला, तो टी एन के अब क्या है 2 है, तो हमारा 2 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय एस 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो एस क्यूब डिवाइड बाय 2, 2 का अगर हम लोग फैक्टोरियल देखेंगे तो 2 ही होता है, तो ऐसे हमारा आ गया। और यहाँ पे हमारा क्या है 2t, 2 बाहर आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे लैपलास ऑफ 2t लिखा, तो 2 बाहर आ जाएगा, टी का अगर हम लोग लैपलास निकालेंगे तो ये भी सेम फॉर्मूले से जाएगा, पहले तो ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आने के बाद से क्या होगा कि यहाँ पे 1 बचेगा, मतलब टी पावर 1 है तो 1 का वैल्यू क्या है 1 फैक्टोरियल, पहले 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, सो क्या हो जाएगा 2, एस के पावर में 2, तो ऐसे ही आ गया, और 2 इंटू का आया था तो वैसे ही 2 आ गया, दोनों में 2 आ गया। फिर इसके बाद से अगर देखा जाए, पहले तो सिंपली ब्रैकेट ओपन कर लें, ब्रैकेट ओपन करने के बाद से ना हम लोग को ना भेजना स्टार्ट करना है, जो जो सेम दिखाया, देखिए वाई ऑफ जीरो, और यहाँ पे y ऑफ जीरो है, सेम यहाँ पे भी y ऑफ जीरो, तो इसको वहाँ पे भेज देंगे, यहाँ पे s ऑफ y ऑफ s है तो इसको यहाँ पे लिखा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसके पास भी s y ऑफ s है, सो इसको यहाँ पे लिखा जाए तो कुछ ऐसा दिखेगा आपके सामने,
सो ये यहाँ आएगा, तो हम लोग को इसके बाद कॉमन निकालना है। तो यहाँ पे देखिए एस स्क्वायर वाई ऑफ एस, और यहाँ पे ये प्लस में है, तो प्लस एस ऑफ वाई ऑफ एस है। अगर इसमें से मैं वाई ऑफ एस दोनों में से निकाल लेता तो क्या बचेगा, एस स्क्वायर प्लस एस आएगा, और बाजू में वाई ऑफ एस लिख के आएगा। तो ये देखिए एस स्क्वायर एस और बाजू में वाई ऑफ एस। आप इसको ऐसे लिखिए, मतलब वाई ऑफ एस इस साइड लिखिए या फिर इस साइड, बात एक ही है, फिर बीच में प्लस का साइन। फिर उसके बाद सिर्फ प्लस का साइन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे अब हम लोग ने इसको शिफ्ट कर दिया, जैसे ये यहाँ चला गया ये यहाँ पे आ गया, सो हम लोग ने माइनस का साइन बाहर नहीं रखा। तो डायरेक्टली क्या है, अब वाई डैश ऑफ जीरो, वाई डैश ऑफ जीरो अगर देखा जाए सो यहाँ पे किसी का कुछ है नहीं, तो इस साइड में आ गया। अब बेसिकली इन दोनों का ही होगा, क्योंकि दोनों के पास वाई ऑफ जीरो है। सो हम लोग ने वाई ऑफ जीरो बाहर निकाल दिया, तो क्या बचेगा, माइनस एस माइनस वन। तो देखिए माइनस एस माइनस वन और वाई डैश, यहाँ पे वाई डैश नहीं आएगा, यहाँ पे डायरेक्टली वाई ऑफ जीरो आएगा। सो दूसरी साइड देखेंगे तो जो हम लोग ने लैपलास लिया था वो वैसे का वैसे लिखा है, टू अपन एस क्यू प्लस टू अपन एस स्क्वायर। अब इसको आप चाहे तो डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व कर सकते, दोनों डिनोमिनेटर सेम कीजिए और ऊपर का प्लस कर दीजिए। सो यहाँ पे मैंने जैसे ही ले लिया, उसके बाद से मैंने क्या किया ना, वैल्यू रखा। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में देखिए वाई ऑफ जीरो का वैल्यू क्या दिया है, फोर। तो यहाँ पे हमारा क्या था, y ऑफ जीरो था, मतलब ये देखिए y ऑफ जीरो, यहाँ पे हमारा फोर आ जाएगा, और y डैश ऑफ जीरो का वैल्यू क्या है, माइनस टू। मैंने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू पुट किया, देखिए माइनस टू और यहाँ पे फोर पुट किया, ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे, पहले से माइनस भी था तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये वैसे का वैसे ही लिख लिया। अभी इसको इंटू किया तो माइनस फोर एस माइनस फोर इसमें इंटू किया। फिर इसके बाद से मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए एस स्क्वायर ऑफ एस, इसको ऐसे का ऐसे ही रहने दिया, इसको सॉल्व किया। यहाँ पे सिंगली फोर था, यहाँ पे सिंगली टू था, फोर माइनस टू तो टू आएगा, और बड़े नंबर का साइन क्या है, माइनस, तो माइनस आ गया। फिर इसके बाद से मैंने बोला था इसको आप सॉल्व करें, तो अगर इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, टू एस स्क्वायर हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, टू एस क्यू हो जाएगा, और नीचे दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, पावर प्लस होगा, तो एस पावर फाइव नीचे आ जाएगा, ऐसे आया। देखिए ऐसे वैसे ये आया है। फिर उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे ना, जो भी यहाँ पे मतलब टर्म है ना, मतलब ये 4s मतलब माइनस 4s और माइनस टू, इसको दूसरी साइड ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस में था तो प्लस में जाएगा, इज इक्वल टू के दूसरी साइड आने में, तो 4s प्लस टू हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो बचा क्या, एस स्क्वायर प्लस एस इंटू वाई ऑफ एस बचा। अब यहाँ मल्टीप्लाई करें तो उस साइड भेजेंगे तो क्या करेगा, तो डिवाइड करेगा, सबसे डिवाइड करेगा, एक से नहीं सबसे, जो भी यहाँ प्रेजेंट है। तो यहाँ पे डिवाइड कर रहा है एस स्क्वायर ऑफ एस, और यहाँ पे क्या है, एस स्क्वायर प्लस एस, यहाँ पे क्या है, टू अपन एस स्क्वायर प्लस एस। सो अभी इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब वन, ये ऊपर ऐसे मल्टीप्लाई करेगा, ये नीचे ऐसे मल्टीप्लाई करेगा, वो भी मल्टीप्लाई करे तो वैसे का वैसे ही आएगा, टू एस स्क्वायर प्लस टू एस क्यू, और नीचे ऐसे मल्टीप्लाई करे तो एस पावर फाइव इंटू एस स्क्वायर प्लस एस, इसको ऐसे ही लिख देंगे ब्रैकेट लगा के, क्योंकि आगे नहीं भी सॉल्व करें चलेगा, और प्लस ये अपना वैसे का वैसे ही लिख देंगे। सो देयरफॉर वाई ऑफ एस हमारा क्या है, टू एस स्क्वायर प्लस टू एस क्यू डिवाइड बाई एस पावर फाइव प्लस ब्रैकेट में एस स्क्वायर प्लस, यहाँ पे ये फाइव है, फाइव नहीं सॉरी ये एस ही है, अपॉन फोर अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस डिवाइड बाय सॉरी प्लस डिवाइड प्लस टू बाय एस स्क्वायर प्लस एस, ये हमारा फाइनल आंसर है दोस्तों सेकंड क्वेश्चन का। और क्वेश्चन बैंक का हमारा कौन सा सम है, टेंथ सम है। और इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा ये सम खत्म होता है, और एग्जाम्पल मतलब प्रॉब्लम बच रही है, अगर आपको इस प्रैक्टिस करना है तो आप ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको सोल्यूशन का पूरा ओवरव्यू दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए ध्यान से, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। कैसा लगा आपको, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उन दोस्तों को मदद कीजिए जिसके इस बार वीडियो में नहीं पता, और दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रही है क्योंकि अब एग्जाम का समय आ गया, तो प्लीज जाते जाते लाइक ठोक के जाएगा। तब तक मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू सून, हैव अ गुड डे दोस्तों।